अभी हम बात करेंगे बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ क्लब. किसकी बात करेंगे? पार्टनरशिप एंड अ क्लब. अभी देखो, पार्टनरशिप तो हम सबको पता है, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए. अभी क्लब क्या होता है ना, क्लब इज बेसिकली एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन. व्हाट इज अ क्लब? इट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो एक कॉमन पूल के तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं. क्या करते हैं? कॉमन पूल के तरह कंट्रीब्यूट करते हैं. बेसिकली ये कंट्रीब्यूशन करने का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? ऑब्जेक्टिव रहता है कि कुछ रिक्रीशनल फैसिलिटीज मेंबर्स को प्रोवाइड हो. मतलब अभी मैंने क्या किया ना, एक 200 जन का व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया. क्या कर लिया? 200 जन का व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया. और मैंने बोला एक काम करते हैं, हम सब मिलके 5 लाख रुपया पर हेड कंट्रीब्यूट करते हैं. कितना? 5 लाख रुपया पर हेड कंट्रीब्यूट करते हैं. उससे एक जमीन खरीदेंगे, जमीन पे बिल्डिंग बनाएंगे. ये हमारा क्या होगा? क्लब. यहाँ पे लॉन टेनिस भी होगा, स्विमिंग पूल भी होगा, बाकी सारे स्पोर्ट्स भी होंगे, जिम भी होंगे, सब कुछ कंट्रीब्यूट करके बना लेंगे. फिर एक कमिटी फॉर्म कर लेंगे, जो कमिटी इस क्लब को एडमिनिस्टर करेगा. क्लियर है? तो ये क्या है? क्लब बन गया. कैसे बना? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना. इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने क्या किया? पैसा पूल इन किया. पैसा पूल इन करके पर्पस क्या था? प्रॉफिट कमाना, रिक्रीशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करना. सो पार्टनरशिप और क्लब में बेसिकली क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ क्लब? बेसिक डिफरेंस इज, पार्टनरशिप का क्या मोटिव है? अर्निंग प्रॉफिट, राइट? पार्टनरशिप का क्या मोटिव है? अर्निंग प्रॉफिट. क्लब का क्या मोटिव है? नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट प्रमोशन ऑफ सम बेनिफिशियल पर्पस. जिस पर्पस के लिए कब हमने फॉर्म किया है, उस पर्पस को रेगुलेट करना. पार्टनरशिप में जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स. पार्टनरशिप में जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको क्या बोलेंगे? पार्टनर. क्या मैं तेरा पार्टनर, तू मेरा पार्टनर, चलता है क्या उसमें? राइट? तो क्या होगा? म्यूचुअल एजेंसी. बट ये 200 लोग जो हमने मिलके क्लब खोला ना, क्या मैं जो करूं वो सारे 200 के ऊपर एप्लीकेबल होगा? मतलब क्लब पे केस में क्या मेंबर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होता है? नहीं. पार्टनरशिप के केस में क्या बोलेंगे? पार्टनर्स. एंड पार्टनर्स एक दूसरे के क्या माने जाएंगे? एजेंट. क्लब में क्या होंगे? मेंबर्स. क्या एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट? नहीं, राइट? तो पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स के बीच में एजेंसी रिलेशनशिप होता है, बट क्लब के केस में, राइट? बट क्लब के केस में मेंबर्स के बीच में एजेंसी रिलेशनशिप नहीं होगा. इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी. पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पे किसका इंटरेस्ट है? पार्टनर्स का. जॉइंटली किसका इंटरेस्ट है? पार्टनर्स का. बट ये क्लब की जो हमने मिलके प्रॉपर्टी बनाई है ना, मैं क्या बोलूं, मेरी प्रॉपर्टी है? मेरी जॉइंट प्रॉपर्टी है क्या? नहीं. किसकी प्रॉपर्टी है? क्लब की. किसकी प्रॉपर्टी? क्लब की. तो पार्टनर्स हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म. अ मेंबर हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब, राइट? अ मेंबर हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब. डिसोल्यूशन कैसे करेंगे? अ चेंज इन पार्टनर मे अफेक्ट इज डिसोल्यूशन, राइट? अ चेंज इन पार्टनर मे अफेक्ट इज एग्जिस्टेंस. मतलब ऐसा डिसाइड होगा कि कोई भी रिटायर करेगा ना तो फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे. बट मेंबर के आने जाने से क्या क्लब डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं. आज मैं मेंबर हूं, कल मैं नहीं होऊंगा, कोई दूसरे मेंबर्स हम एडमिट कर लेंगे. क्लियर है? नॉर्मली आज के दिन में क्लब जो होती है ना, कंपनी फॉर्मेट में होती है. किस फॉर्मेट में होती है? कंपनी फॉर्मेट में होती है. बेसिकली हम लोग यूजली बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी. क्या बोलते हैं? सेक्शन 8 कंपनी, जो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए होती है, किसी लेट से ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए होती है. इसलिए क्लब का परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है.